नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मारुति वैगनआर ZXi प्लस टॉप मॉडल। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे इस गाड़ी की क्या प्राइस है, क्या फीचर्स मिल जाते हैं, क्या सेफ्टी प्रोवाइड करी जाती है, ये गाड़ी पेट्रोल और CNG में कितने KMPL का माइलेज देती है, और ये आप कितना डाउन पेमेंट करके अपने घर ले जा सकते हैं, A to Z सब कुछ बात करेंगे। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए। सबसे पहले हम इस गाड़ी की कीमत की बात करते हैं। तो इसके बेस मॉडल की कीमत स्टार्ट होती है 5,55,000 रुपये से और टॉप मॉडल की कीमत है 7,32,000 रुपये। उसमें आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और ड्यूअल टोन कलर ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ये आपके सामने टॉप मॉडल ही है ZXi प्लस, लेकिन ये मैनुअल ट्रांसमिशन और सिंगल टोन कलर ऑप्शन के साथ है। जैसे इस गाड़ी की अगर मैं बात करता हूँ तो एक शोरूम प्राइस है 6,75,000 रुपये और ये ऑन रोड आपको लगभग 7,65,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएंगे जिसकी वजह से थोड़ा सा प्राइस इसकी और भी ज़्यादा कम ज़्यादा हो सकती है। जैसे इस गाड़ी का अगर आप पूरा फ्रंट का व्यू देखेंगे तो कुछ इस टाइप से डिज़ाइन किया गया है, बीच में लोगो मिल जाता है, दोनों साइड क्रोम का यूज किया गया है। 1620 mm गाड़ी की चौड़ाई है। पूरा हेडलैम्प यूनिट देखेंगे तो रिफ्लेक्टर बेस हाइलोजन बल्ब का यूज किया गया है। नीचे टर्न इंडिकेटर मिल जाता है, इसमें आपको फॉग लाइट भी मिल जाती है टॉप मॉडल में। नीचे पूरा बम्पर देखेंगे तो मैट ब्लैक कलर का यूज किया गया है। पूरा फ्रंट फेसिया देखेंगे तो शानदार लगता है। ऊपर ड्यूअल वाइपर और वॉफर का सेटअप किया गया है। रूफ देखेंगे तो पूरी तरह से प्लेन है, रेगुलर एंटीना मिल जाता है। अब एक बार इस गाड़ी का पूरा साइड का व्यू देखते हैं और इसके डायमेंशन की बात कर लेते हैं। 3655 mm लंबाई है, 1620 mm चौड़ाई है और 1675 mm हाइट है। टायर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे 14 इंच का टायर मिल जाता है ब्लैक कलर के अलॉय व्हील के साथ। आगे वाली टायर में डिस्क ब्रेक है, पीछे ड्रम ब्रेक दिया गया है। अलॉय व्हील का डिज़ाइन देखेंगे तो बेहतरीन लगता है। ऊपर ORVM दिया है बॉडी कलर में, इसी में टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। बॉडी कलर में ही डोर हैंडल दिए गए हैं, ये थोड़ा सा बेसिक टाइप के डोर हैंडल दिए गए हैं। और 32 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। ये गाड़ी पेट्रोल और CNG दोनों ही फ्यूल ऑप्शन के साथ मिल जाती है और दोनों में ही अच्छा माइलेज क्लेम किया जाता है। विंडो एरिया भी बड़े साइज के दिए गए हैं। पूरा रियर का डिज़ाइन देखेंगे तो कुछ इस टाइप से है, वर्टिकल शेप में पूरा टेल लैंप यूनिट मिल जाता है। ऊपर ब्रेक लाइट, इंडिकेटर और रिवर्स पार्किंग लाइट, ये सभी चीज़ें आपको हाइलोजन बल्ब में ही देखने को मिलेंगी। उसके बाद बीच में देखेंगे तो यहाँ पे वाइपर मिल जाता है, ऊपर डिफॉगर वगैरह नहीं मिलता। ऊपर हाई स्टॉप माउंटेन लैंप दिया है और एक छोटू सा वॉफर दिया है। बीच में लोगो मिल जाता है, वैगनआर की बैजिंग है पूरी तरह से क्रोम पे। दो रिवर्स पार्किंग अल्ट्रासोनिक सेंसर मिल जाते हैं जो बहुत ही अच्छी तरह से काम करते हैं। यहाँ पे कैमरा भी लगा हुआ है। दोनों साइड रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। 165 mm गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है, पूरी तरह से प्रैक्टिकल है। कच्चे रास्तों में भी आप आसानी से लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। बूट ओपन करने के लिए यहीं पे आपको एक लीवर टाइप से मिल जाता है जिससे आप आसानी से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे पीछे दीवार है, जगह थोड़ी सी कम है लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि सभी चीज़ें आपको दिख जाएं। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो टॉप मॉडल है तो पार्सल ट्रे भी मिल जाती है अच्छी क्वालिटी की। 341 लीटर का बूट स्पेस दिया है और इसमें आप अच्छा खासा सामान रख सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। नीचे स्पेयर व्हील वगैरह ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं और सीट को भी आप फोल्ड करके और भी ज़्यादा बूट इंक्रीज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। भरपूर सामान आ जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार पैसेंजर साइड का डोर ओपन करके सारी चीज़ें देख लेते हैं। जैसे डोर ओपनिंग देखेंगे तो अच्छी है, गाड़ी के अंदर बैठने उतरने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और इसी के लिए ये गाड़ी जानी जाती है, पूरी तरह से आपको कम्फर्ट प्रोवाइड करती है। जैसे यहाँ पे डोर ट्रिम देखेंगे तो पूरी तरह से ब्लैक है, सिर्फ आपको सिल्वर फिनिश में ओपनर मिल जाता है, बाकी सभी चीज़ें आपको ब्लैक कलर में दी गई हैं। पावर विंडो का बटन मिल जाता है, 0.5 लीटर की बॉटल और थोड़ा बहुत सामान और भी रख सकते हैं। अंदर सीट देखेंगे तो ये सीट कवर एसेसरीज का पार्ट है, ये लगा हुआ है। सीट आपको पूरी तरह से देखेंगे तो फैब्रिक में मिलती है। पीछे आपको फिक्स वाले हेडरेस्ट मिलते हैं। सीट को अगर आप चाहते हैं तो पूरा ही फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे 60% और 40% का रिव्यू दिया है, जितना आपको सामान रखना है उसके हिसाब से आप फोल्ड कर दीजिए, उसके बाद आप सामान रख सकते हैं। पीछे वाली सीट में 3 लोग आराम से बैठ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसकी अगर हाइट भी ज़्यादा होती है वो भी आराम से बैठ जाता है, कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं है स्पेस वगैरह की। ऊपर देखेंगे तो फिक्स वाले ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं। कोई भी पीछे AC वेंट नहीं मिलता लेकिन कूलिंग अच्छी है, हम्प ना के बराबर है तो पीछे जो भी बैठेगा ना उसको कोई दिक्कत नहीं आती। 2435 mm का व्हील बेस है तो पीछे स्पेस अच्छा खासा है। अब एक बार ड्राइवर साइड का डोर ओपन करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे की इंसर्ट करके भी आप डोर को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। पूरा डोर ट्रिम देखेंगे तो ब्लैक कलर में है और आगे वाली डोर में भी देखेंगे तो डोर ओपनिंग बहुत शानदार है। गाड़ी के अंदर आप आराम से बैठ सकते हैं और आराम से उतर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे यहाँ पे भी आपको सभी चीज़ें ब्लैक कलर में मिलती है। ओपनर मिलता है आपको सिल्वर कलर पे।
ORBM को फोल्ड और एडजस्ट करने की चीज़ें मिल जाती हैं। चारों पावर विंडो के बटन दिए गए हैं। पूरा ही हार्ड प्लास्टिक है। 1 लीटर की बॉटल रख सकते हैं। स्पीकर मिल जाता है। थोड़ा बहुत सामान और भी रख सकते हैं। अंदर का पूरा डिज़ाइन देखेंगे, इंटीरियर का पूरा डिज़ाइन तो कुछ इस टाइप से है। यहाँ पे भी आप सीट कवर देखेंगे तो एक सीट के ऊपर ये दूसरा कवर लगाया गया है। ये भी एसेसरीज का पार्ट है। ये देखने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा कम्फर्ट प्रोवाइड करेगा। सीट पूरी तरह से फैब्रिक में है। अच्छा आपको कंफर्ट मिल जाएगा। कितनी भी दूरी ड्राइव करेंगे थकावट महसूस नहीं होगी। यहाँ पे आप सीट को रिक्लाइन एडजस्ट कर सकते हैं। हाइट एडजस्ट करने का ऑप्शन नहीं दिया है। सीट में हेड एडजस्टेबल होने चाहिए थे ड्राइवर और को ड्राइवर वाले। जैसे यहाँ पे AC नॉब मिल जाता है। सराउंडिंग में पूरा सिल्वर कलर का यूज किया गया है। नीचे देखेंगे तो ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन और हेडलैम्प के लेवल को ऊपर नीचे करने के लिए दिया है। नीचे ABC पैडल मिल जाता है। साइड में डेट पैडल भी है। यहाँ पे स्पेस अच्छा है। यहाँ से आप इसका बोनट ओपन कर सकते हैं। और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे फ्यूल टैंक ओपन करने के लिए दिया है। अब एक बार मैं गाड़ी के अंदर बैठता हूँ और आपको एक एक करके और भी फीचर्स बताता हूँ। डैशबोर्ड का डिज़ाइन अच्छा लगता है। बेसिक का डिज़ाइन है लेकिन अच्छा है। ऐसा नहीं है कि आप बोर होंगे। सीट में जैसे आप बैठेंगे ना तो आपको एक्स्ट्रा कम्फर्ट मिलेगा। सीट की कुशनिंग अच्छी है। पूरा स्टेयरिंग व्हील का डिज़ाइन देखेंगे तो ये पूरा राउंडेड वाला है। बीच में लोगो मिल जाता है। नीचे एयरबैग और हॉर्न दिया है। इधर साइड पूरा म्यूजिक सिस्टम का कंट्रोल मिल जाता है। नीचे फ़ोन उठाने, काटने और वॉइस कमांड का बटन दिए गए हैं। नीचे पूरा सिल्वर कलर का है। ये स्टेयरिंग व्हील के एडजस्टमेंट की बात करें तो इसको आप टिल्ट कर सकते हैं और सिर्फ टिल्ट ही कर सकते हैं। टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं दिया है। लेफ्ट साइड में वाइपर का कंट्रोल है और राइट साइड में देखेंगे तो हेड लैंप और इंडिकेटर का कंट्रोल दिया है। सामने देखेंगे तो क्लस्टर मिल जाता है। बीच में एनालॉग पैनल है 180 की स्पीड के साथ और साइड में एक छोटी सी डिजिटल MID मिल जाती है जिसमें ज़रूरत की भरपूर इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब एक बार हम इसका पूरा सेंटर कंसोल देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो 7 इंच का टच स्क्रीन पैनल मिल जाता है। एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी के साथ आता है। इस गाड़ी में टोटल 4 स्पीकर दिए गए हैं। नीचे हजार्ड बटन है। मैनुअल AC मिल जाता है। नीचे देखेंगे तो मोबाइल चार्जिंग का सपोर्ट दिया है। साइड में 12 वोल्ट का सॉकेट है और इधर साइड USB और AUX का सपोर्ट है। यहाँ पे आप अपना मोबाइल रख सकते हैं। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है। हैंड ब्रेक मिल जाता है क्रोम की टिप के साथ। नीचे बॉटल रखने के लिए जगह है या आप अपने हिसाब से छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हैं। ऊपर डे नाइट वाला मैनुअल IRBM मिल जाता है। कैबिन लाइट हाइलोजन पे दी गई है लेकिन अच्छी ब्राइट है। रोशनी अच्छी मिल जाती है। बातचीत करने के लिए माइक मिल जाता है। ड्राइवर साइड के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे टिकट होल्डर दिया है और को ड्राइवर साइड के ऊपर यहाँ पे वैनिटी मिरर मिल जाता है। ये भी बहुत अच्छी बात है। साइड में फिक्स वाला ग्रैब हैंडल दिया है। पूरा डैशबोर्ड का डिज़ाइन देखेंगे तो अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि आप कोई शिकायत करेंगे। पूरा ही हार्ड प्लास्टिक है। और साइड में देखेंगे तो यहाँ पे AC नॉब दिया है। सराउंडिंग में पूरा सिल्वर कलर का यूज किया गया है। ये AC जब ऑन रहते हैं ना तो अगर जैसे आप ड्राइव करते हैं तो यहाँ पे पूरा ही थ्रो इसका हाथों में रहता है तो हाथ जल्दी ठंडे हो जाते हैं। बाकी कूलिंग अच्छी है। नीचे डिफरेंट साइज का ग्लव बॉक्स मिल जाता है और इसमें भी आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें रख सकते हैं। फाइल वगैरह या थोड़ा बहुत सामान आप अपने हिसाब से चीज़ें रख सकते हैं। अब एक बार हम इस गाड़ी की सेफ्टी की बात कर लेते हैं। इसमें आपको टोटल 2 एयरबैग मिल जाते हैं। ABS+ EBD, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, सेंटर लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ये सभी एडवांस लेवल के सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं। इस गाड़ी में 1197 cc का BF6 Phase 2 वाला फुली रिफाइंड इंजन मिल जाता है जो 5 स्पीड की मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। और इसमें आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी दिया गया है जिसमें आप 88 BHP की मैक्सिमम पावर और 113 Nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है। और इस इंजन से पेट्रोल में लगभग 24 KMPL का और CNG में लगभग 34 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है। और ये गाड़ी अगर आप CNG में खरीदना चाहते हैं तो सिर्फ 2 ही मॉडल मिलते हैं, LXi बेस मॉडल और BXi। ऊपर के टॉप मॉडल में CNG नहीं मिलता। एक बार इस गाड़ी की कीमत मैं आपको और बता देता हूँ। इसकी एक शोरूम प्राइस 675,000 रुपये और अगर ये गाड़ी आप EMI में ख़रीदना चाहते हैं तो 70-80 हज़ार रुपये आपको इसके लिए डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से किस्त बनवा सकते हैं। 3 साल, 5 साल, 7 साल, जो भी आपको लगे उस हिसाब से आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आज की वीडियो और ये गाड़ी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।